मुझे खुशी है जो तुम मेरी जिंदगी में आए। खुशकिस्मत तो मैं हूं, है ना साइको? सो देखो गाइस, आज की इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स जापान की अपकमिंग जेपनीज रोमांटिक ड्रामा सीरीज बियॉन्ड गुडबाय के बारे में, जो रिलीज होने जा रही है कल के दिन नेटफ्लिक्स पर, यानी 14 नवंबर को। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये जेपनीज रोमांटिक ड्रामा सीरीज है वो हिंदी डब में देखने को मिलेगी। टाइमिंग की बात करें तो आपको इसकी सारी एपिसोड है वो हिंदी डब में कल यानी 1:30 में देखने को मिल जाएगी दोपहर में। तो जो भी हो, आइए जानते हैं कि आखिर ये जो सीरीज है वो किस बारे में है और क्या चीजें हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसकी जो कहानी वो मेन तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में बताती है जो हाल ही में एक कार एक्सीडेंट के दौरान अपनी फियांसे को खो देती है। और दूसरी तरफ इसकी कहानी हमारी मेन कैरेक्टर यानी हमारे हीरो के बारे में बताती है, जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि उसका हार्ट अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। तो ऐसे में उसकी जिंदगी जब सब कुछ बदल जाता है जब उसे एक हार्ट डोनेटर मिल जाता है, यानी हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर की जो फियांसे है उनका हार्ट ट्रांसफर हमारे हीरो में कर दिया जाता है। और इसके बाद इन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि ये दोनों एक ऐसे इमोशनल धागे से कनेक्ट हो जाते हैं जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इसी के बारे में आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। बता दूं कि इस सीरीज की जो मेन थीम है वो है प्यार, दर्द और जिंदगी के उतार चढ़ाव। जी हाँ, प्यार और दर्द दिखाती है कि प्यार कितना गहरा हो सकता है और किसी को भी खोने का दर्द कितना बड़ा होता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, सभी की लाइफ में एक नई शुरुआत होती है। तो जो भी हो, कुल मिलाकर बियॉन्ड गुडबाय एक बहुत ही इमोशनल कहानी है जो प्यार, दर्द और जिंदगी के मतलब के बारे में बताती है। तो जो भी हो, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी ज्यादा अपडेट इस बारे में निकल के नहीं आ पाई है, लेकिन जो भी निकल के आई थी इस सीरीज के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। तो कल आप 1:30 में नेटफ्लिक्स इंडिया पर हिंदी डब में इसकी सारे एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतनी अपडेट है, चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।